बिल्कुल फैमिलियर माहौल है यहाँ पे, स्टाफ भी बहुत फैमिलियर है। एक नया नया काम शुरू करते वक्त बहुत डर लग रहा था, लेकिन आज एक साल हो गया है और बहुत अच्छे से हमारा भी काम चल रहा है और सर भी बहुत कोऑपरेटिव है हमारे साथ। ये देखते हैं कि क्वालिटी सबसे बेस्ट है। बहुत अच्छा भैया के यहाँ स्टॉक है और बहुत अच्छे से जो भैया के यहाँ के स्टाफ है बहुत अच्छे हैं और भैया भी बहुत ही अच्छे हैं। कुछ भी बनावटी नहीं है हमारे यहाँ। नमस्ते मैम। नमस्ते सर जी। कहाँ से आए सर? दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं? हाँ जी। दिल्ली में कहाँ से? आदर्श नगर से। अच्छा, तो आपको बरखा इंटरनेशनल में आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, पिछले एक साल से जुड़े हुए हैं हम सर के साथ। जी जी। और बिल्कुल घर के जैसा माहौल है, हमें बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि हम कहीं बाहर से शॉपिंग कर रहे हैं या कोई अलग बंदा है हमारे लिए। बिल्कुल फैमिलियर माहौल है यहाँ पे, स्टाफ भी बहुत फैमिलियर है और बहुत हेल्पफुल है। एक नया नया काम शुरू करते वक्त बहुत डर लग रहा था, लेकिन आज एक साल हो गया है और बहुत अच्छे से हमारा भी काम चल रहा है और सर भी बहुत कोऑपरेटिव है हमारे साथ। मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा है? बहुत बढ़िया। और रेंज वाइज आपको यहाँ पर आइटम कैसे लगे? बहुत बढ़िया है, रीजनेबल रेंज है। कोई चीज हमारे को अगर 19-21 कभी लगती भी है तो हम ये देखते हैं कि क्वालिटी सबसे बेस्ट है। जी जी। क्वालिटी से यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, इसीलिए हमारा कहीं और जाने का मन ही नहीं करता। करेक्ट करेक्ट। तो और कुछ आप बोलना चाहते हो? बस यही बोलना चाहते हैं कि बेस्ट जगह है, जो भी अपना नया काम शुरू करना चाहते हैं या जो चेंज करना चाहते हैं कुछ, तो यहाँ जरूर आए, सर के पास आए। अपना सर पूरी तरीके से कोऑपरेटिव है, पूरा हेल्प करते हैं, काम आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत प्रेरित करते हैं और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आकर हमें। सर को भी पूछ लेते हैं, सर आप भी कुछ बोलना चाहते हैं बरखा इंटरनेशनल? मेन क्वालिटी है, क्वालिटी ने मेंटेन करके रखी है जी। और हम 1.5 साल से जुड़े हुए हैं, बस गुरु जी की कृपा है कि जो हमें सामान लिया है हमने आगे बहुत अच्छा गया है और क्वालिटी में कोई कम्प्रोमाइज नहीं करी, तभी हम आज तक जुड़े हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे। जी जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मच सर। ये खुद ही बहुत अच्छे हैं, जो लोग अच्छे होते हैं ना उनको सामने आना भी अच्छा लगता है। हमने तो अपनी तरफ से, ये मैम हमारे पास आए थे आज से 1.5 साल पहले, इन्होंने नया बिजनेस शुरू करना था और सीरियसली बता रहा हूँ मेरे ख्याल से 20 या 25 हज़ार रुपये का माल लेके थे, वो भी डर डर के लेके थे। और मेरे ख्याल उसके बाद 5-6 बार या 10 बार आ गया है मेरे ख्याल, 12-15 बार हर महीने में 2 बार आते हैं। हाँ, और कम से कम 1,00,000 रुपये 2 लाख का माल हर बार लेके जाते हैं। तो ये खुद ही इनकी मतलब एक गुडविल अच्छी है वहाँ पे दिल्ली के अंदर। तो मैं आपका अपने बरखा इंटरनेशनल चैनल में फिर से स्वागत करता हूँ। जी सर। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मैं दिखाना चाहता हूँ जो हमारे बेडशीट के थान है या जो हमारे पर्दे के रोल है उसकी स्टिचिंग कैसे होती है और स्टिचिंग के बाद उसी उसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये यहाँ पे पर्दे बना रहे हैं, कर्टन्स रेडी हो रहे हैं, ये पर्दे रेडी हो रहे हैं। ये जैसे ये रोल पड़े हैं, इस रोल हमारे रोल के रोल यहाँ पे निकल के वहाँ पे कटिंग होती है। जैसे वो देखो वो कटिंग कर रहा है, पहला प्रोसेस है कटिंग का। ऐसे रोल को ऐसे लगाया जाता है, लगाने के बाद इसकी कटिंग होगी, कटिंग होगी, कटिंग के बाद सीधा माल आ जाता है स्टिचिंग में। स्टिचिंग होने के बाद ये हमारे मास्टर जी ये देखिए अभी माल चालू, तो ये इसका प्रोसीजर होता है। रोल पहले कटिंग होगी, टेबल पे लगेगा, स्टिचिंग होगी, उसके बाद में स्टिचिंग के ऊपर आ जाता है। तो इसीलिए हम आपसे सारे कस्टमर को यही कहते हैं कि अगर किसी कस्टमर ने अपनी कस्टमाइजेशन करानी है, किसी ने कोई बड़ा साइज बनाना है, छोटा साइज बनाना है, या फिर इलास्टिक वाला बनाना है, फिटेड वाली बेडशीट बनानी है, कुछ भी बनाना है, वो कस्टमाइजेशन हमारे पास अवेलेबल है। पर्दे के अंदर मास्टर जी ये कौन सा 5 फुट बना रहे हो? 7 फुट कौन सा बन रहे हैं? 7 फुट ये 7 फिट बन रहा है इस टाइम। पैच लग रहा है इसके अंदर? पैच, इसके अंदर पैच लग रहा है। अच्छा, ये पैच होता है? पैच होता है। हाँ। इसके ऊपर पट्टी लगेगी, टेप यहाँ लगेंगे, ठीक है, इसके अंदर लॉन्ग क्रश की वो जुड़े, ठीक है। मास्टर जी थोड़ा सा ना आप हमारे को बताओ कि मतलब ये पर्दे को रेडी कैसे करते हैं, सिस्टम क्या होता है? जैसे रोल पड़ा है, ये रोल लिया, रोल के बाद कैसे प्रोसेसिंग होती है, क्या सिस्टम होता है, फिर इसकी कटिंग होगी जी? कैसे कटिंग होती है, मतलब थोड़ा सा समझाएंगे पूरा ब्रीफ में? यल पे लग के कटिंग होगी। अच्छा, उस पे लग जाता है? अच्छा, उस पे लगने के बाद उसकी कटिंग होती है। अब इस टाइम वो क्या कट रहा है, एक बार वो सारा प्रोसेस समझाएंगे। ये जैसे ये रोल है, वो रोल कौन सा, ये वाला रोल उठा रहा है? ये रोल ये हमारा रेड शीट का रोल हो गया। उसके बाद इसको आप ऐसे काटते हो, उसको कैसे काटते हो एक बार बताएंगे थोड़ा सा? हाँ, इसको यल पे लगा के और फिर इसको उतार के नीचे से कैंची से निकालना पड़ता है, सिंगल पीस। अच्छा, थोड़ा सा निकाल के दिखा सकते हैं आप कैसे कटिंग करते हैं? इसको उतार देंगे यहाँ से कैंची मार के। अच्छा। हाँ, इसको निकाल देंगे
जो हमारा जितना हमारे को पिल्लो चाहिए, जितनी शर्ट बनती है ये। अच्छा, ये आपने अब रोल को काट दिया, ठीक है, कटिंग कर दिया, ठीक है। अब कटिंग के बाद क्या होगा मास्टर जी? अब इसके बाद इसपे लगेगा जी टेबल पे इसको उतारेंगे, फिर इस पे निशान लगा के पिल्लो के साइज के हिसाब से कटिंग करेंगे। कटिंग के लिए निशान लगा रहे हो? हाँ, कटिंग के लिए अपना जो साइज चाहिए पिल्लो का वो साइज लेना पड़ेगा। अच्छा, ये सारा वेस्ट का माल निकल गया, ये देख सकते हैं आप। इतना वेस्ट का माल, मतलब अगर हम रोल लेके स्टिचिंग करते हैं तो ये सारा माल वेस्ट होता है, इसीलिए स्टिचिंग के अंदर थोड़ी सी कॉस्ट इसकी ऐड होती है जी। ये कटिंग हो गई। अच्छा, ये पूरी कटिंग कर दी आपने? इस टाइप की प्रोसेस रहने वाली है। ये हमारा पिलो रेडी होगा, पूरा फुल साइज, ठीक है। तो हमने आपको दिखाया कैसे, मतलब रोल को काट के, कैसे कपड़े को स्टिच करके, कैसे इसका पिलो बनाया। और ये देखिए, इसके अंदर हमने मार्जिन भी छोड़ा ताकि पिल्लो अंदर जाने के बाद कपड़ा अंदर रहना चाहिए, बाहर ना निकले। कई लोग क्या करते हैं, कपड़े को बचाने के चक्कर में इसमें मार्जिन नहीं देते, उससे पिल्लो बाहर आता है। पिल्लो कवर तो बन गया लेकिन वो प्रॉपर यूज में नहीं आ पाता। तो ये हमारा पिल्लो बन गया है यहाँ पे, और ये हमारी बेडशीट रेडी हो रही है साइड बाय साइड। ये देखिए, ये साइड बाय साइड बेडशीट रेडी हो रही है। ये मास्टर जी को सिंगल बेड बन रही है, सिंगल बेड की बेडशीट रेडी हो रही है। वहां पे आगे पर्दे भी आपको देखने आपने बनते हुए, देखिए सारा माल रेडी हो गया यहाँ पर। ये देखिए, ये पर्दे के रोल है सेम इस जैसी। ये तो सिर्फ आपको मैंने 5-7 मशीन दिखाई, 150 मशीन हो रहा है, 150 मशीन हो रहा है। एक ये ट्रायल के तौर पे सिर्फ आपको ये दिखाना चाहिए कि मतलब कैसे प्रोसेसिंग होती है रोल की, फिनिशिंग पूरी प्रिंटिंग हमारी फैक्ट्री है, जो मैंने आपको पहले वीडियो में दिखा रखा है कि कैसे धागे से लेके कपड़ा बनता है। अब मैंने आपको ये दिखाया कपड़ा बनने के बाद उसकी स्टिचिंग कैसे होती है, स्पेशली पिल्लो का दिखाया मैंने, पिल्लो का, कि पिल्लो कवर को कैसे रेडी किया जाता है। इस तरह से माल रेडी हो जाता है, रेडी होने के बाद पैकिंग में चला जाता है जी। तो या फिर उसकी ऐसी बुक पैकिंग हो जाती है। वाओ, ऐसी बुक पैकिंग। तो सारा स्टेप प्रोसेस बाय प्रोसेस है, सिस्टम बाय सिस्टम है, सारी चीज वन बाय वन होती है हमारी जी। इस तरह से तरीके से काम होता है सारा का सारा। ये आपका दिल्ली से? आजमगढ़ से। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम ही आया है, मेरे को मिले भी आज फर्स्ट टाइम ही। हाँ। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। तो कैसा लगा आपको थोड़ा बहुत? नहीं, आपका व्यू बहुत अच्छा है, सब कुछ कलेक्शन भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, थैंक यू। थोड़ा इधर बता दीजिए। बहुत अच्छा है भैया, क्या स्टॉक है, और बहुत अच्छे से जो भैया के यहाँ के स्टाफ है बहुत अच्छे हैं, और भैया भी बहुत ही अच्छे हैं जी जी जी, बहुत अच्छा है। और रेंज कैसी लगी मैम आपको? बहुत अच्छी क्वालिटी, रेंज, प्राइस सब बहुत वर्सेटाइल है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। थोड़ा कोई मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे जितने कस्टमर हैं या व्यूअर्स कोई देख रहे हो? जरूर आना बनता है, अगर आपको हैंडलूम में अच्छा कलेक्शन चाहिए, चद्दर चाहिए, अच्छा ब्लैंकेट्स चाहिए, कम्फर्टर्स चाहिए, तो जरूर से आइए, और एकदम खूब सारा लेके जाएंगे, हम तो खूब सारा लेके जा रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम। मैं वही कह रहा था, जो लोग अच्छे होते हैं उनको सारे अच्छे लगते हैं, ये एक्चुअली में खुद ही बहुत अच्छे इंसान है, इसलिए इनको सब कुछ अच्छा लग रहा है हमारे भी। करेक्ट सर। तो मैम यही आपको एक बार विजिट करने के लिए, मैम ने जैसे आपको बोला, आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करूंगा, हो सके तो एक बार विजिट जरूर करें, कि कुछ भी बनावटी नहीं है हमारे यहाँ, सीरियसली। इनका अभी तक नेम भी नहीं पता, कौन बैठे थे, क्या है, मैं सीरियसली नहीं, मैंने ये अभी पूछा सामने कि आप कहाँ से आए, मतलब ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि मैनिपुलेटिंग या दिखाना कुछ, होना कुछ, जो है सबके सामने है, आप लोगों के सामने है। कई बार कई प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखा दिए, लेकिन फिर भी दिल करता है कि आपको दोबारा रिमाइंड कराए कि आपको आना चाहिए। जो हमारी बेडशीट्स है, ब्लैंकेट्स है, कारपेट्स है, कर्टन्स है, उनकी सबकी हमने प्रोडक्ट वाइज वीडियो भी बना रखी है। आप थोड़ा सा हमारे चैनल को जाए, सब्सक्राइब करें, उसके वीडियोज में जाए, उसमें आप देख सकते हैं हमारे क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, और हम धीरे धीरे सारी उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे बनती है। जैसे आज हमने पिल्लो का दिखाया, सिर्फ ऐसे जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, वीविंग होती है, जहाँ पे कपड़ा बनता है जी, वो सब आपको दिखाएंगे।